रिसेंटली जो फर्स्ट एप्पल आईफोन था वो ऑक्शन में 158,000 डॉलर्स में बिका है, जिसे हम अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ 1,29,00,000 रुपीज़ होते हैं। जो भाई LCG ऑक्शन बिकी है, जो कि एक प्रीमियम ऑक्शन हाउस है LCG ऑक्शन। अगर हम देखें तो कुछ ईयर्स में जो सील्ड पैक आईफोन्स होते हैं जो कि कभी एक्टिवेट नहीं हुए रहते, मतलब कोई रिफर्बिश्ड कहें या कोई किसी ने बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं, ये सारे वो नहीं होती, ये बिल्कुल सील्ड पैक आईफोन होते हैं जो कि एप्पल ने बनाए थे, जो कि बाई कंपनी बाई सील हमें टू द जो बायर है उसको मिलती है इन ऑक्शंस में। तो इसके जो ये जो अभी ऑक्शंस में काफ़ी ज़्यादा आईफोन्स निकल रहे हैं जो कि फर्स्ट आईफोन से हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट आईफोन था ये कुछ 1,29,00,000 में निकला है 158,000 डॉलर्स में अगर हम बात करें। तो जहाँ पर बात करें तो ये पहली बात तो बहुत ही रेयर मॉडल है, क्योंकि जो फर्स्ट आईफोन था वो 4GB वर्जन वाला था जो कि 2007 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था। जो बिडिंग थी वो स्टार्ट हुई थी 10,000 डॉलर से, जो कि अभी जून में ही हुई थी, और जहाँ पर इसकी जो प्राइस थी वो पीक हो गई थी 42,000 डॉलर तक पहुँच गई थी, 10,000 डॉलर से 42,000 डॉलर्स। फिर 42,000 डॉलर के बाद इसकी प्राइस हुई 67,000 डॉलर बिडिंग अमाउंट तक, फिर इसकी प्राइस बढ़ के 158,000 डॉलर हो गई, 1,29,00,000 रुपीज़ जहाँ पर इसे खरीदा गया। तो ये अगर अभी तक के देखिए ऑक्शंस में तो सबसे ज़्यादा प्राइस का बिका हुआ एप्पल आईफोन है। तो अगर हम इसे नॉर्मल प्राइस से कंपेयर करें तो $499 का आईफोन था जब इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट एप्पल आईफोन, जो कि 4GB रैम के साथ आता था, तो अभी इसकी प्राइस 300 टाइम्स से ज़्यादा कॉस्टलियर की बिकी है इस ऑक्शन में, LCG ऑक्शन में। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ऑक्शन में लोग कितने ज़्यादा हाई अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ रेयर प्रोडक्ट्स के लिए। और ये तो था फर्स्ट एप्पल आईफोन। इस ऑक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।